वेलकम टू सीरीज नंबर 3 ऑफ IVF सक्सेस रेट। हमने लास्ट टाइम जो बात किया था वो 30 से 35 साल। अभी मैं उम्र के हिसाब से ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर स्त्री की उम्र 35 से 40 साल की उम्र है और उसके अंडों की संख्याएं 10 से कम है, 10 से कम आ रही है, उसका AMH 2 से कम है और अंडों की संख्याएं अगर एक पिकअप में जितने भी इंजेक्शन डालो, कोई भी हाई डोज इंजेक्शन डालो, लेकिन वो एक क्षमता होती है स्त्री की उम्र के हिसाब से और वो 10 से कम आ रहे हैं, तो हम इसमें दो कैटेगरी करेंगे कि उसकी जो स्त्री बीज की संख्याएं हैं वो 1 से 5 के बीच में है, 5 के 10 के बीच में है। अगर 35 से 40 की उम्र है और 5 से 10 अंडे निकल रहे हैं, तो 5 से 10 की अंडे में हम इस तरह से देखेंगे कि करीबन 20 से अगर 5 अंडे आएंगे तो अराउंड 20% रिजल्ट मिल सकता है उसको। फ्रीज ऑल स्ट्रेटर्जी में अगर 10 अंडे निकल सकता है तो उनकी करीबन मैं ऐसा बोल रहा हूँ 45%, यानी कि 20 से 20 to 25% रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन जो भी मुझे सुन रहे मैं बोल रहा हूँ इसमें फ्रीज ऑल स्ट्रेटर्जी इज नेसेसरी। अगर आप फ्रीज ऑल स्ट्रेटर्जी नहीं करोगे तो उसमें करीबन 50% रिजल्ट हाफ हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।